नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तैयारी पर इन्फो। तो चलिए दोस्तों, आज की खबरों की हम शुरुआत करते हैं। तो मोर पर फिर हुआ विवाद, तो इस बार पीएम मोदी पर उठी है अंगुलियां। तो जाने क्यों है विवाद से जुड़ा लालू यादव का नाम। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे मोर के साथ नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने आवास में है और मोर उनके हाथ से खाना खा रहा है। तो मोर अपने पंख को फैलाकर उनके आवास पर अटखेलियां करता भी दिख रहा है। तो इस वीडियो के साथ पीएम मोदी ने मोर पर एक कविता भी पोस्ट की है, भोर भयो बिन सोर मन मोर भयो भी भोर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के बाद से पूरे देश में यह चर्चा आम है कि क्या सबके लिए एक जैसा कानून नहीं होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो और फोटो को लेकर जो है शेयर करके लोग यह मांग कर रहे हैं कि देश में सबके लिए एक जैसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए। तो दरअसल यह सवाल इसलिए उठा है कि क्योंकि वर्ष 2017 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आवास पर दो मोर पाले गए थे और उस वक्त उन पर वन्य प्राणी अधिनियम के उल्लंघन का मामला बन गया था। तो अब जबकि पीएम मोदी अपने आवास में मोर के साथ दिख रहे हैं तो लोग यह सवाल कर रहे हैं कि क्या जो है पीएम मोदी पर वन्य प्राणी अधिनियम का मामला नहीं बनना चाहिए। तो सवाल लाजमी है। तो ऐसे में हम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि वन्य प्राणी अधिनियम का मामला पीएम मोदी पर बनता है या नहीं। तो और लालू यादव के साथ 3 साल पहले क्या हुआ था। तो लालू यादव के आवास पर संजय गांधी जैविक उद्यान से लाए गए थे मोर। तो 3 साल पहले लालू यादव के आवास पर दो मोर पाले गए थे। तो उस वक्त लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। तो उनके आदेश पर पटना के जो है संजय गांधी जैविक उद्यान से दो मोर लालू यादव के आवास पर लाए गए थे। तो जानकारों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि लालू यादव की सेहत बहुत खराब थी और उन पर कई मुकदमे भी थे। तो किसी ज्योतिष ने उन्हें मोर के संदिग्ध में रहने के लिए कहा था। तो लेकिन जैसे ही यह खबर फैली उन पर वन प्राणी अधिनियम उल्लंघन का मामला बन गया था। हालांकि मोर उनके घर से बरामद नहीं हुए थे। बताया गया था कि विवाद के कारण उन्हें पहले ही उड़ा दिया गया था। तो पीएम मोदी के आवास पर मोर पाले जाने की सूचना नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास लुटियंस जोन में है जहाँ हरियाली बहुत ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी के आवास पर मोर पाले नहीं गए हैं तो बल्कि वे इस इलाके में यूं ही घूमते नजर आ जाते हैं। तो लुटियंस इलाके के हर आवास में मोर नजर आ जाते हैं तो उन्हें पाला नहीं गया है। तो वे इस इलाके से इतने परिचित है कि इधर उधर सहजता से घूमते हैं। अगर यह स्थिति पीएम मोदी के आवास की भी है तो उन पर वन प्राणी अधिनियम के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है। तो लुटियंस जोन में सिर्फ मोर ही नहीं बल्कि कई जो है अन्य जानवर भी बहुतायत में मिलते हैं जिनमें बंदर प्रमुख है। तो लुटियंस जोन के लोधी गार्डन में है मोरों का प्रजनन केंद्र। तो ज्ञात हो कि लुटियंस इलाके को अंग्रेजों ने बसाया था। तो इस इलाके को बसाने में जो है अंग्रेज आर्किटेक्ट जो है सर एडविन लुटियंस की अहम भूमिका थी, इसलिए इसे लुटियंस जोन भी कहा जाता है। तो लुटियंस इलाके में जो लोधी गार्डन है वहां पर मोरों का प्रजनन केंद्र है। यहां यही कारण है कि यहां मोर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रायः सभी आवास में देखे जाते हैं। तो इलाके में काफी हरियाली है और वातावरण काफी स्वच्छ और मनोहर है। तो कई औषधि वनस्पतियां भी यहां पाए जाते हैं। तो सोशल मीडिया में उठी है यह जो है सोशल मीडिया में उठी मांग कि यह कानून सबके लिए बराबर हो। तो पीएम मोदी का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में यह मांग उठ रही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो देश का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई हो। तो वही कई लोग यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि हर बात में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो पीएम आवास मोरों का स्थायी निवास है तो पीएम मोदी ने उन्हें पाला नहीं है। वही कई लोग मजे लेते हुए यह भी लिख रहे हैं कि अब राष्ट्रीय पक्षी मोर राष्ट्रवादी हो गया है। वही कई लोग जो है वन प्राणी अधिनियम के तहत पीएम मोदी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।